हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम ये मास्टरमाइंड का क्वेश्चन बैंक है 2024 का, और इस क्वेश्चन बैंक से जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ओके, उन पर हम निशान लगाएंगे और आप उनको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, ऑल आईडर टू गॉड, इसको जो राइटर है जीएल फ्यून्स है ओके। देखिए, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं एग्जाम के लिए, उन पर आप निशान लगा सकते हैं। तो देखिए, आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है, कौन कौन से तैयार करने हैं उनको समझिए। देखिए, आपको चौथा वाला क्वेश्चन तैयार करना, मोस्ट आईएमपी चौथा वाला जो क्वेश्चन है क्या है, हाउ डिड रेन अफेक्ट लेंचोज लाइफ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है ये सातवां वाला मोस्ट आईएमपी है कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, कि लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा था, ये मोस्ट आईएमपी है ओके। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर ये वाला तैयार करना है, आठवां आपको क्वेश्चन तैयार करना है ये वाला कि व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्डली, जो पोस्टमैन था वो दिल से हंसता क्यों गया था ओके, डांके दिल खोलकर हंसा क्यों था, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोस फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, ये वाला क्वेश्चन देख लेना ओके। ये सारे जो मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है केवल आपको बताए जा रहे हैं ओके। चलिए, आपको और कौन कौन से तैयार करने हैं उस पर निशान लगाइए। देखिए, और आपको तैयार करना है ग्यारहवा क्वेश्चन कि व्हाई वाज लेंचो एग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, देखिए लेंचो ने क्यों या फिर लेंचो क्यों गुस्सा हुआ था जब उसको लेटर प्राप्त हुआ था, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ये मोस्ट टाइम पे आपको ये वाला जरूर तैयार करना है कि डिस्क्राइब द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो ओके, ये वाला क्वेश्चन भी आईएमपी है। और नेक्स्ट वाला चैप्टर है कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, देखिए इस चैप्टर से आपको तैयार करना है, आपको जो तैयार करना है पांचवा क्वेश्चन तैयार करना है कि व्हाई वॉज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फाइट विद द राइट रूलर्स विद द वाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि नेल्सन मंडेला कौन थे, उसने अपने देश के अंग्रेज शासकों से लड़ाई क्यों की थी ओके। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है सातवा तैयार करना है कि व्हाट डिड द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, ये भी मोस्ट आईएमपी एग्जाम के लिए, ये भी आपको जरूर तैयार करना है ओके। चलिए, और देखें कौन कौन सा आईएमपी है एग्जाम के लिए, आपको ये वाला 10वां वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार व्हाट इज द फ्रीडम, मतलब आजादी क्या होती है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ये काफी आता है एग्जाम में ओके। तो इस चैप्टर से केवल आप इतने ही तैयार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इस चैप्टर से कौन कौन से तैयार करने हैं उस पर देखिए निशान लगाइए। आपको जो तैयार करना है पहला वाला तैयार करना है क्या है कि व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई ओके, युवा सीगल उड़ने से क्यों डरता था। और क्वेश्चन नंबर चार तैयार करना है कि क्या है कि व्हाइल अलोन ऑन लेज हाउ डिड द लिटल सीगल ट्राई टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, किनारे पर अकेले रहते हुए छोटे सीगल ने अपने परिवार का ध्यान कैसे आकर्षित करने की कोशिश की थी, ये मोस्ट टाइम भी है। बस इस चैप्टर से इतने ही तैयार कर लेना। अब देखिए चैप्टर नंबर चार क्या था, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसका जो राइटर है एनी फ्रैंक है। तो देखिए इसमें से कौन कौन से तैयार करने हैं आपको, देखिए इसमें से क्वेश्चन आपको तैयार करना है दूसरा वाला कि हु वॉज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक कौन थी, वेयर डिड ही राइट आर डायरी, उसने डायरी कहाँ लिखी थी, तो ये आंसर है इसका। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि What does Anne Frank say about her family? तो यहाँ पर बुलाया कि Anne Frank ने क्या कहती है फैमिली के बारे में, तो ये भी मोस्ट टाइम पे ये भी आपको जरूर तैयार करना है ओके। चलिए, और क्वेश्चन नंबर पांचवा तैयार करना है क्या है कि हाउ डिड ऑथर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941, 1941 में ग्रीष्म ऋतु में लेखक का जन्मदिन कैसा बीता, ये मोस्ट टाइम पे ये आपको जरूर देख के जाना है, तैयार करना है। और जो आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ एनी का करेक्टर स्केच करिए, ये मोस्ट आईएमपी चैप्टर का, ये आपको जरूर तैयार करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, केवल आपको यही वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और पांचवें चैप्टर से ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया से क्या तैयार करना है, देखिए इस चैप्टर से आपको तैयार करना है दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स, गाँव के पाव बनाने वालों की मुख्य तैयारियां क्या थी ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है चौथा वाला, हाउ इज वेकर इम्पोर्टेंट फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट इन गोवा, गोवा में किसी दावत और पार्टी में पाव बनाने
वाले कैसे महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट टाइम पे आपको जरूर तैयार करके जाना ये वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको तैयार करना है ये वाला कि ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ गोवाज विलेज, गांव के, देखिए यहाँ पर गोवा के गांव का वर्णन करना है। ओके, ये मोस्ट टाइम पे ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन और तैयार करना है। बस इस चैप्टर से इतने ही तैयार करने हैं और नेक्स्ट वाला चैप्टर उससे देखें, और इसमें से क्वेश्चन तैयार करना आपको कि कूर्ग फेमस क्यों था, और ये वाला क्वेश्चन हाउ डू द पीपल ऑफ कूर्ग डिफर फ्रॉम हिंदूज मेन स्ट्रीम, कूर्ग के लोग हिंदू मान्यताओं से किस प्रकार भिन्न है, ये काफी आईएमपी है। बस इतने ही इस चैप्टर से तैयार कर लें। चलिए और तो आपको तैयार करना है क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ये वाला तैयार करना है कि वेयर वर राजवीर एंड प्रांजोल गोइंग एंड वाई। तो यहाँ पर बोला गया कि प्रांजोल और राजवीर कहाँ जा रहे थे। ओके, इसको तैयार करना है। और जो तैयार करना है देखिए, ये मिसबिल द ऑरेटर, इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करने हैं उसको देखिए। इसमें से जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है एग्जाम के लिए, देखिए पांचवा क्वेश्चन तैयार करना है डिस्क्राइब हाउ द ऑरेटर वर्क्स लाइक, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। ओके, और जो तैयार करना है, और जो तैयार करना आपको सातवां वाला कि भाई वॉज द ऑरेटर नेम्ड मैक्सवेल ऑरेटर, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और ये वाला क्वेश्चन दसवा कि व्हाट गेम डिड मेज इन्वेंट, मोस्ट टाइम पी है। बस इतने ही क्वेश्चन तैयार करने हैं, ये इसका आंसर है। और जो आपको तैयार करना है मैडम राइट्स एंड बर्थ से, इससे कौन सा तैयार करना है उसमें से देखिए, देखिए आपको तैयार करना है हाई वॉज वर्लीज डिपेस्ट डिजायर, ये मोस्ट टाइम पी है, ये वाला तैयार करना है। और ये वाला तैयार करना है कि हाउ डिड वर्ली प्लान हर बस राइड, ये मोस्ट टाइम पी है। और पांचवा तैयार करना है कि व्हाई वॉज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, ये भी मोस्ट टाइम पे है, इसको देख के जरूर जाना है। ओके, और ये वाला क्वेश्चन सातवा कि व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस, ओके बस में चढ़ने के बाद वल्ली ने क्या किया था, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर तैयार करने हैं। और ये मोस्ट टाइम पे है, क्या है कि ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ वल्ली, मोस्ट टाइम पे है। ओके, ये कुछ ज्यादा लॉन्ग में लिखा हुआ, आप सर्च बार में सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के, वहां पे करेक्टर स्केच ऑफ वल्ली, वहाँ पर हमारी वीडियो आ जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इसको। अब वो नेक्स्ट वाले चैप्टर में से आपको क्या तैयार करना है, द सरमन एट बनारस में, देखिए इस चैप्टर में आपको जो कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है भाई वॉज किसा गोद में सैड, किसा गोद में क्यों दुखी थी, ये इसका आंसर है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है ये वाला छठा, वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सरमन, अपने पहले उपदेश में उसने क्या उपदेश दिया था, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और जो तैयार करना है आपको दूसरा वाला, ये वाला लॉन्ग वाला, क्या है भाई वॉज किसा गोद में इन सो मच ग्रीफ, जो किसा गोद में थी बहुत ज्यादा दुख में क्यों थी, व्हाट डिड शी लर्न इन द एंड, तो किसा गोद में घोर दुख में क्यों थी, अंत में उसने क्या जाना, ये मोस्ट टाइम पी है। ओके, चलिए आपको जो तैयार करना है नवे चैप्टर से द प्रपोजल से, देखिए इसमें से क्या क्या तैयार करना है उसको समझते हैं। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है, आपको जो तैयार करना है दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है कि व्हाई डज लेमोब डिसाइड टू गेट मैरिड, लेमोब ने शादी करने का फैसला क्यों किया, ये मोस्ट टाइम पे इसको जरूर देख के जाना आपको। ओके, चलिए और जो क्वेश्चन तैयार करना है आपको चौथा वाला तैयार करना है कि नतालिया इज कंसिडर टू बी अ परफेक्ट मैच फॉर लेमोब, एक्सप्लेन। और जो आपको तैयार करना है पांचवा वाला, बस इतने ही तैयार करने इस चैप्टर से काफी है। चलिए और लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको, चलिए इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, अब आती है पोइट्री, पोइट्री आती है आपकी डस्ट ऑफ सिनो, इसमें पहली पोयम है, इसमें से आपको क्या तैयार करना है, इसका एक सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है और इसके ये वाले क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेंगे, ये वाले काफ़ी आते हैं, ये वाले ये जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको देख लेना आप। चलिए और इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना एक दो बार, ये इसका सेंट्रल आइडिया है। ओके, ये आई एम पी है एग्जाम के लिए। और जो आपको तैयार करना है देखिए फायर एंड आइस से, इसका एक सेंट्रल आइडिया है, ये तैयार कर लेना, बस ये दो सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, और तीसरा ये टाइगर नजू वाला, ये तीन सेंट्रल आइडिया में से एक ना एक पक्का आ जाता है एग्जाम में, ये इसमें लॉन्ग दे रखा था हमने, शॉर्ट में करा रखा, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ओके, चलिए अब वो ये भी पोयम है, अब इसकी पोइट्री को छोड़ दें क्योंकि सेंट्रल आइडिया इतने ही काफ़ी हैं एग्जाम के लिए। ओके, तीन तैयार कर लिया आपने तो तीन ही काफ़ी हैं, उन्हीं में से फंस जाता है हर साल के साल। अब आती है फुट प्रिंट्स विदाउट फिट सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री आ चुकी है, पहला चैप्टर ये है। अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं आपके, देखिए आपको तैयार तो करना है, तीसरा क्वेश्चन तैयार करना है मोस्ट टाइम पे कि हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्री की,
तरीके की पुअर कंडीशन के लिए कौन जिम्मेदार था, मोस्ट टाइम पे, ये वाला क्वेश्चन। और जो आपको तैयार करना है पांचवा, हाउ कैन यू से डेट ट्रिकी हैड एन एफ्लुएंट लाइफ, आप कैसे कह सकते हैं कि ट्रिकी का जीवन खुशहाल था, ये भी मोस्ट टाइम की है, इसको आपको जरूर देखना है। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल डिसीज, असली बीमारी क्या है, दैट ट्रिकी वाज सफरिंग, तो ट्रिकी उससे परेशान था। और जो क्वेश्चन तैयार करना है आपको आठवा करना है कि व्हाई वाज मिसेस पम्फ्रे रिंगिंग अ डजन टाइम्स ऑफ डायरी, श्रीमती मिस पम्फ्रे जो दिन में दर्जनों बार क्यों फोन कर रही थी, ये मोस्ट टाइम पे, इसको देख कर जाना आपको। और नवा क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकीज लाइफ, ये वाला क्वेश्चन, ये सारे के सारे मोस्ट टाइम पे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। अब आते हैं चैप्टर नंबर दो है द थीव्स स्टोरी, इसके जो राइटर है रस्किन बॉन्ड है। देखिए इसमें से कौन कौन से तैयार करने हैं आपको, इसमें से पहला क्वेश्चन तैयार करना है ये मोस्ट टाइम पे, ये वाला। ओके क्या है कि व्हाई डिड द थीव मेक फ्रेंड विद अनिल, कि चोर ने अनिल से मित्रता क्यों की थी, ये मोस्ट टाइम पे, इसको जरूर देख कर जाना है। और जो आपको तैयार करना है पांचवा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह, हरी सिंह किस प्रकार का चोर था, ये भी मोस्ट टाइम पे, इसको भी आपको जरूर देख के जाना है। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये पहला वाला तैयार कर लेना, बस इतने ही काफी है। ओके चलिए, द मिडनाइट विजिटर से आपको ज्यादा तैयार नहीं करने हैं, बस एक ही क्वेश्चन तैयार करना, तीसरा वाला, डिस्क्राइब मैक्स अ सीक्रेट एजेंट, कि मैक्स को एक गुप्त एजेंट के रूप में वर्णित कीजिए, मोस्ट टाइम पे, केवल एक ही तैयार करना है इस चैप्टर का। अब क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से आपको क्या तैयार करना है, देखिए इसमें से जो मोस्ट टाइम पे है आपका जो क्वेश्चन है वो ये है तीसरा वाला, हाउ डिड हॉरेस गेट एंट्री इन टू द हाउस, हॉरेस को घर में प्रवेश कैसे मिला। ओके ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है चैप्टर का। और एक और करना है पांचवा वाला, कि व्हाई वर फ्लावर्स हिंडरिंग हॉरेस इन हिज वर्क, फूल हॉरेस के काम में बाधा क्यों डाल रहे थे। ओके बस इतने ही क्वेश्चन तैयार करने हैं इस चैप्टर से। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एच डी वेल्स इसके राइटर हैं, और इसके जो शॉर्ट आंसर हैं इसमें से आपको तैयार करना दूसरा वाला, कि व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रू ऑफ सडनली, ग्रिफिन ने अचानक क्या उतार फेंका था, ये क्वेश्चन तैयार करना है जो मोस्ट टाइम पे एग्जाम के लिए। ओके और जो क्वेश्चन तैयार करना है आपको ये पांचवा तैयार करना है, कि हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंडन स्टोर, ये मोस्ट टाइम पे है, और छठा क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है, ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ग्रिफिन वॉज रेदर अलोलेस पर्सन कमेंट, ये मोस्ट टाइम पे है, ये जरूर देख के जाना है। ओके चलिए आपको जो तैयार करना है नेक्स्ट वाला चैप्टर है कि द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन, इसके कौन राइटर हैं, और इसके जो शॉर्ट आंसर है आपको पहला वाला तैयार करना है, इसका पहला वाला क्वेश्चन को मोस्ट टाइम पे है, चौथा वाला मोस्ट टाइम पे है, और छठा वाला, और डीएनए फिंगरप्रिंट्स वाला, बस इतने ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं चैप्टर से, और कुछ तैयार नहीं करना है। अब आता है नेकलेस चैप्टर, इससे शॉर्ट आंसर कौन कौन से तैयार करने हैं वो देखिए, इसमें आपको तैयार करना है, इसमें आपको तैयार करना है पहला क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ऑफ मैडम लोसेल, मैडम लोसेल किस प्रकार की औरत थी और वो क्यों हमेशा दुखी रहती थी, ये मोस्ट टाइम पे इस चैप्टर का ये तैयार करना है। और आपको चौथा तैयार करना है कि हाउ डिड मैडम लोसेल लुक व्हेन शी टुक पार्ट इन द वॉल, श्रीमती लोसेल ने जब नृत्य सभा में भाग लिया तो वह कैसी लग रही थी, ये मोस्ट टाइम पे इसका। ओके और पांचवा क्वेश्चन कि व्हाट डिड लोसेल डू टू रिप्लेस द नेकलेस, यहाँ पर बोला गया कि लोसेल ने क्यों रिप्लेस कर दिया था उसके नेकलेस को। और पहला क्वेश्चन तैयार करना कि गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का चरित्रण कीजिए, ये मोस्ट टाइम पे है। ओके चलिए ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे, इसको जरूर देख के जाना है। और जो तैयार करना है आपको वो देखिए भोली चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करने हैं, भोली चैप्टर से आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है कि व्हेन डिड द तहसीलदार साहिब कम टू भोली विलेज, तहसीलदार साहिब जो थे वो भोली के गांव क्यों आए थे, ये मोस्ट टाइम पे, इसको जरूर देख के जाना है। और जो तैयार करना तीसरा कि भाई वाज भोली रिलक्टेंट टू गो टू द स्कूल विद हर फादर, भोली अपने पिता के साथ स्कूल जाने के लिए क्यों अनिच्छुक थी, ये मोस्ट टाइम पे है। ओके आपको तैयार करना पांचवा को तैयार करना पांचवा क्वेश्चन कि डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली के लिए स्कूल का पहला दिन सुखद रहा, ये मोस्ट टाइम पे इसको जरूर तैयार करना है। ओके चलिए और जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है ये वाला कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोली टीचर्स इन लाइफ, ये मोस्ट टाइम पे लॉन्ग क्वेश्चन, बस इतने ही तैयार कर लेना इस चैप्टर के। ओके अब देखिए ये नेक्स्ट वाला चैप्टर है, इससे कौन कौन से तैयार करने हैं, वैसे इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, केवल आपको एक ही क्वेश्चन तैयार करना है। देखिए कौन सा करेंगे आप, करेंगे ये वाला कि व्हाई डिड थिंक टैंक डिसाइड टू इवैक्यूएट मार्स, ये बोला गया कि थिंक टैंक ने मंगल ग्रह को खाली करने का निर्णय क्यों लिया था,
तो ये सारे के सारे हमने मोस्ट टाइम के क्वेश्चन आंसर के निशान लगवा चुके हैं, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।